और चलिए इसी बीच बड़ी खबर भोपाल से सामने आ रही है। राजधानी में लापता हुई दो छोटी बच्चियां, कन्या भोज कराने के बहाने दो बच्चियां अगवा की गई हैं। कन्या भोज के बहाने बच्चियों को दो महिलाएं ले गई थी। बच्चियों की तलाश में फिलहाल पुलिस की टीमें जुटी हुई हैं। भोपाल के तलैया थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर कन्या भोज के बहाने दो महिलाएं बच्चियों को ले जाती हैं और अगवा कर लेती हैं। दो छोटी बच्चियां लापता बताई जा रही हैं। राजधानी भोपाल से कन्या भोज कराने के बहाने दो बच्चियां अगवा हो गईं। कन्या भोज के बहाने बच्चियों को दो महिलाएं ले गई थी। चलिए अधिक जानकारी के साथ नीलम जुड़ गई है। नीलम, पूरा मामला क्या है और जिन दो महिलाओं का जिक्र हो रहा है, क्या अभी तक उनकी पहचान की गई है? जी देखिए, ये पूरा मामला दो छोटी बच्चियों के अगवा करने का है। दो महिलाएं जो है बच्चियों को उनके घर से कन्या भोज कराने के नाम पर ले जाती हैं और उसके बाद से जो है बच्चियां गायब है। तलैया थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और पुलिस जो है बच्चियों की तलाश में जुट गई है और इस बीच सीसीटीवी भी खंगाले गए तो उसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि बच्चों को महिलाएं जो है ले जाते हुए नजर आ रही है। एक बच्चे की उम्र 10 साल और दूसरी बच्चे की उम्र करीब 1.5 साल के आसपास बताई जा रही है। पुलिस ने जो है लोकेशन ट्रेस करने की भी कोशिश की, जो कि एक घाट के आसपास की निकली है और इसके लिए जो है सर्चिंग टीम लगातार उस क्षेत्र पर सर्च कर रही है। हालांकि अभी तक जो है ना तो महिलाओं का ना ही बच्चों का पता चल पाया है। जैसे इस मामले की जानकारी पुलिस को आई, पुलिस ने तत्काल जो है एक्शन लेना शुरू कर दिया। सीसीटीवी खंगाले और लोकेशन ट्रेस करने की जो काम है वो किया है और अब सर्चिंग टीम जो है इस पूरे क्षेत्र में सर्चिंग कर रही है कि जल्द से जल्द जो है बच्चियों का और महिलाओं का पता लगाया जा सके। तो देखिए, क्योंकि आज अष्टमी का दिन है और घरों में कन्या भोजन होता है और इसी बात का फायदा उठाया है दोनों महिलाओं ने बच्चियों को अगवा करने के लिए। नीलम, क्या इन महिलाओं का कुछ पिछला ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, किसी आपराधिक घटनाओं में ये शामिल रही हैं, क्या इसे लेकर कोई जानकारी मिल पाई है? और ये भी बताइए कि कितना वक्त बीत चुका है जब से ये बच्ची अगवा हुई हैं, अभी तक कितना वक्त बीत चुका है? जी बिल्कुल, देखिए पुलिस इस बात की भी जानकारी जुटा रही है कि ये महिलाएं कौन हैं और क्या इनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड रह पाया है नहीं, क्योंकि जब ये बच्चियों को घर से ले जा रही थी तो यहाँ पर एक छोटी लापरवाही जरूर परिवारजनों से, उन्होंने महिलाओं से नहीं पूछा और बच्चियों को ले जाने दिया। जब बच्चियां कहीं माफी दिए तब घर वापस नहीं लौटी, तब जाकर के इस बात की जानकारी पुलिस को दी गई है। और ये अगर हम पूरी घटना की बात करें तो 3 घंटे से ज्यादा का समय जो है पूरी घटना को अब तक निकल चुका है, लगातार जो है सर्चिंग की जा रही है और पुलिस लगातार जो आखिरी लोकेशन एक घाट की मिली थी वहां पर सर्च कर रही है। इसके अलावा जीटीटी कॉम्प्लेक्स में भी जो है सर्चिंग की गई है और लगातार इस पूरे रूम की सीसीटीवी जो फुटेज है वो भी निकाले जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल नीलम, अब देखना होगा कि कब तक पुलिस दोनों बच्चियों को बरामद कर पाती है और क्या कुछ एक्शन लिया जाता है इस पूरे मामले में। बहुत बहुत धन्यवाद नीलम, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।